हाथी में? मैम मैं इतनी देर से ये सोच रहा हूँ ये हाथी के दांत तो बाहर है, तो ये खा किससे रहा है? एक्चुअल में जिस तरीके से अगर हम अपने माउथ की बात करें तो हमारे मुंह में एक अपर जॉ होता है, एक नियर लोअर जॉ होता है, यानी कि ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, ऐसी हाथी के पास भी है। और अगर हम इसको एकदम सेंटर में से डिवाइड कर दें, हमें दो हिस्से मिल जाते हैं। अब हमारे ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से में एकदम सेम दांत हैं, लेकिन हाथी के पास ना ऐसा नहीं है। उसके जैसे देखो हमारे पास ये दो काटने वाले दांत होते हैं, इंसीजर्स या कृतक जिनको कहते हैं, हाथी के पास ये सिर्फ एक होता है और वो भी बेचारे का मॉडिफाई हो गया टस्क के रूप में। तो ये वही इंसीजर्स हैं, और अक्सर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि ये मॉडिफाइड किस रूप में होते हैं। ठीक है, अब आपका सवाल है मैम ये खाते किस तरीके से? तो देखो जैसे हमारे पास ये नुकीले दांत है, हाथी के पास नहीं होते तो इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन पीछे हमारे पास खाने को चबाने के लिए और टफ खाने को तोड़ने के लिए प्री मोलर और मोलर होते हैं। हाथी के पास ये तीन तीन दांत होते हैं एक तरफ, यानी कि तीन इधर, तीन इधर, तीन इधर, तीन इधर और तीन तीन इधर। तो इस प्रकार से हाथी अपना खाना चवर्णक और अग्र चवर्णक दांतों की मदद से खाता है, और ये इसके मॉडिफाइड इंसीजर्स होते हैं। तो ऐसी ही जानकारी को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ डेली SSC Exams by Examcode चैनल पे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।